I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and it is my email ID. The topic which we are going to discuss today is a very important topic in the field of psychology as well as educational psychology, that is Freud's theory of personality, Sigmund Freud's theory of personality. So do subscribe my channel to get my future videos too. And this lecture will be in bilingual mode, that is beneficial for both English as well as Hindi medium students, and it will be useful for various teaching examinations. So let's start. First of all, who was Sigmund Freud? Sigmund Freud. शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने फ्रायड साहब का नाम नहीं सुना होगा, उनको टेक्स्ट बुक में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो उनके कोर्स करिकुलम सिलेबस का हिस्सा हो या ना हो, हम सभी लोगों ने फ्रायड को कहीं ना कहीं सुना है. सिगमंड फ्रायड इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ साइकियट्री. इनको साइकियट्री का जनक माना जाता है. फ्रायड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द वर्क ऑफ द फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जियां मार्टिन चारकोट. फ्रायड से तो बहुत लोग प्रभावित हैं या उन पर बातचीत की जाती है. फ्रायड किससे प्रभावित थे? वो एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट से प्रभावित थे, जियां मार्टिन चारकोट, who had been interviewing women patients who were experiencing hysteria. और जिया मार्टिन चारकोट किस पर काम कर रहे थे? वो women patients पे काम कर रहे थे जो कि hysteria से ग्रसित थे, ग्रसित थीं. Among his many accomplishments is arguably the most far-reaching personality theory in psychology, the Freudian theory of personality. मतलब इन्होंने बहुत काम किया है psychology में, बहुत उन पर बातचीत की जाती है, बहुत सारे उनके यू कैन से अचीवमेंट्स हैं, अकॉम्प्लिशमेंट हैं, पर जो उनकी पर्सनालिटी थ्योरी है साइकोलॉजी में उस पर सबसे ज़्यादा बात की जाती है, जिसको कि फ्राइडियन थ्योरी या फ्रायड की व्यक्तित्व की थ्योरी या सिद्धांत कहा जाता है. इट हैज़ बीन द फोकस ऑफ मैनी एडिशंस, मॉडिफिकेशंस एंड वेरियस इंटरप्रिटेशंस गिवन टू इट्स कोर पॉइंट्स. उस पर बहुत कुछ जोड़ा गया है, उसमें रूपांतरण किया गया है, उसमें बहुत सारा कुछ उसके अर्थ निकाले गए हैं जो कि उन्होंने मेन पॉइंट अपने बताए. फिर डिस्पाइट मैनी री इनकारनेशंस, फ्रायड्स थ्योरी इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी. बहुत सारा इसका हमको लाभ मिला, बहुत सारी इन्होंने ऐसी बातें बताई जो इनके पहले कभी किसी ने नहीं बताई थी, लेकिन बहुत ट्रोल किया जाता है इनकी थ्योरी को, बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें एक क्या पॉइंट है, फॉर इट्स परसीव्ड सेक्सिज्म. इन्होंने अपनी थ्योरी में मूल जो पॉइंट लिया है वो सेक्सुअलिटी लिया है, इसलिए इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के हर व्यक्तित्व का मूल वही है. एंड इट रिमेन्स द फोकस ऑफ हॉट डिस्कशंस ऑन इट्स रेलेवेंस टूडे. और आज भी इस पर डिस्कशन किए जाते हैं कि कितना किस हद तक सही है और कहाँ क्या चीज गड़बड़ी हो गई इनकी थ्योरी में. फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. तो जानते हैं क्या है ये थ्योरी, फ्रायड ऑन माइंड. सबसे पहले कि फ्रायड ने मन पर क्या कहा है, क्या कहा उन्होंने मन में, क्योंकि मन से ही उन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांत को जोड़ा है. तो उन्होंने मन को कहा कि फॉर फ्रायड द माइंड वॉज लाइक एन आइसबर्ग. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है इनका. इन्होंने कहा कि जो मन है वो एक आइसबर्ग के समान है. आइसबर्ग में क्या होता है कि मेजर पोर्शन जो उसका होता है वो पानी के अंदर होता है, डूबा होता है, हमको दिखाई नहीं देता, बहुत नॉमिनल सा पोर्शन उसका ऊपर होता है. देखिए, ये सिर्फ इतना पोर्शन है जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और इतना सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बन जाता है. ठीक, तो क्या 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 कह रहे हैं ये, फॉर फ्रायड द माइंड वॉज लाइक एन आइसबर्ग. ठीक है, विद द मैनी मोटिवेशंस ऑफ द अनकॉन्शियस बीइंग मच लार्जर. मतलब अनकॉन्शियस का मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है, उसको हम कई बार समझ नहीं पाते, बट ऑल्सो आउट ऑफ साइट, हमको दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है हमारे लिए, इन कंपेरिजन टू द कॉन्शियसनेस ऑफ विच वी आर अवेयर. कॉन्शियसनेस में, चेतन मन में जो चल रहा है वो तो हम उसके प्रति अवेयर होते हैं, वो हमको समझ में आता है, लेकिन अनकॉन्शियस हो सकता है उसका मोटिवेशन ज्यादा हो पर हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते, हमें वो दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है हमारे लिए. यही माइंड एज आइसबर्ग की इन्होंने संकल्पना दी है. फिर इन्होंने क्या कहा, फ्रायड प्रपोज दैट द माइंड इज डिवाइडेड इंटू थ्री कॉम्पोनेंट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. है ना, एवरीबडी नोज अबाउट इड, ईगो एंड सुपर ईगो इन कॉन्सोनेंस विद फ्रायड. वो बता रहे हैं कि जो मन है वो तीन उसके घटक हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, एंड दैट द इंटर actions and conflicts among the components. और जो उसमें अंतःक्रिया हो रही है इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में, उसमें जो द्वंद चल रहे हैं वही हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करता है. ये खास बात इनकी थ्योरी की. तो यहां से जानते हैं, ये देखिए छोटा सा पोर्शन जो बाहर आपको दिख रहा है पानी के, वो कॉन्शियस है. दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी नो वी नो अबाउट, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो छोटी सी मानसिक क्रिया. सब कॉन्शियस क्या है, थिंग्स वी कुड बी अवेयर ऑफ इफ वी वॉन्टेड और ट्राइड. ये जो हमारे मतलब उसके नीचे है, अवचेतन में है, जो कॉन्शियस के नीचे है, वो हम
अगर अवेयर हो सकते हैं, अगर हम उसके विषय में सोचेंगे, कोशिश करेंगे तो। और जो अनकॉन्शियस में है, जो इतना बड़ा पोर्शन ये अनकॉन्शियस का आपको नीचे दिखाई दे रहा है, द थिंग्स वी आर अनअवेयर ऑफ एंड कैनॉट बिकम अवेयर ऑफ, मतलब हम उसके बारे में अब अज्ञान हमारे मन में होता है और हम चाह के भी जान नहीं सकते कि अनकॉन्शियस में क्या है। फिर इड क्या है? इड इज पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। वो कह रहे हैं कि जो इड है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है एंड कंप्राइज एंड कंपेंसेस द टू इंस्टिंक्ट्स ईरोस एंड थैनेटोस। देखिए बहुत सवाल बनते हैं फ्रायड से और हम लोग इतनी बार फ्रायड को पढ़कर निकल जाते हैं तब भी हम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते क्योंकि इतनी इसमें इतनी सतहें हैं इन्होंने जो बताया है, तो हमको ध्यान से पढ़ना होगा कि यही सवाल पूछा जा सकता है कि इड किसका भाग है, कॉन्शियस का है कि सब कॉन्शियस का है कि अनकॉन्शियस का है। हमने अलग अलग तो पढ़ लिया कि माइंड के थ्री कॉम्पोनेंट्स है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। लेकिन अगर ये ध्यान नहीं दिया कि इड किसका पार्ट है तो हमको दिक्कत हो सकती है। तो अगर हम इस चित्र को ही दिमाग में रखेंगे तो हमें दिखाई देगा, ध्यान में रहेगा कि अनकॉन्शियस नीचे था और इड भी नीचे था, इसका मतलब इड जो है वो अनकॉन्शियस का पार्ट है। तो यही एक सवाल बन गया। फिर जो हमें दिख रहा है कॉन्शियस माइंड में क्या है, हमारे थॉट्स और परसेप्शंस है, जो थोड़ा मतलब थोड़ा कॉन्शियस में है, थोड़ा सबकॉन्शियस में है, वो है मेमोरीज और शेयर्ड नॉलेज। फिर ये सब आपका अनकॉन्शियस में देखिए क्या, इंस्टिंक्ट्स, सेक्सुअल एंड एग्रेसिव, हमारी इंस्टिंक्ट हमारे अनकॉन्शियस में क्या चल रही है, हमारे डर क्या है, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स जिसको हम जाहिर नहीं कर सकते, वॉयलेंट मोटिव्स, इरेशनल विशेस, वो विशेस जो हम जानते हैं अतार्किक हैं, इमोरल अर्जेस जो अनैतिक इच्छाएं हैं, सेल्फिश नीड्स जो हमारे स्वार्थ परक आवश्यकताएं हैं, जो शेमफुल एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब कुछ हमारे कहाँ रहती हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस में रहती हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके, तो ये फ्रायड का कंसेप्शन है माइंड पर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देन थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ माइंड, वो कौन से थ्री कॉम्पोनेंट्स बता रहे हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। हम लोग अलग अलग पढ़ लेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो को। इड क्या है? इड हमारी इंस्टिंक्ट है। देखिए इसमें ये ऐसे बना हुआ है ना, सींग हॉर्न्स बने, इसका मतलब ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। ईगो जो है वो रियलिटी से हमारा परसेप्शन कराती है और सुपर ईगो मोरालिटी चेक है हमारे ऊपर कि हम कुछ गलत ना करें, अनैतिक ना करें। ओके, और ये इड, ईगो एंड सुपर ईगो का पार्ट अनकॉन्शियस में पूरा पूरा इड आ रहा है। सुपर ईगो भी हमारा कॉन्शियस को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ ईगो का कुछ हिस्सा है जो हमारे कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। ओके, तो ये भी हमको याद रखना चाहिए। देन शुरू करते हैं इड से, क्या है इड। According to Freudian theory, the id is the component of personality that form the basis of our most primitive impulses. यानी कि वो हमारे व्यक्तित्व का ये घटक है id, जो कि सबसे पुराने primitive impulses हमारे का आधार है। The id is entirely unconscious, ये बात ध्यान देने योग्य है, and it drives our most important motivations, including the sexual drive libido and the aggressive or destructive drive thanatos. सिर्फ यही सवाल पूछ ले जाएगा कि id, sorry, sexual drive कौन सी, libido है कि thanatos है कि eros है कि क्या है इस तरह से, या इनमें से कोई नहीं है, तो हमको ध्यान देना होगा कि sexual drive को इन्होंने libido का नाम दिया और जो aggressive drive है उसको thanatos का नाम दिया। फिर अकॉर्डिंग टू फ्रायड द इड इज ड्रिवन बाय द प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब इन्होंने कहा जो इड है वो किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा है, किसके द्वारा नियंत्रित है, सुख के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि एनिमल इंस्टिंक्ट, यानी जानवर कैसा चाहते हैं कि उनको सुख चाहिए, उनको भूख लगी है तो किसी को भी मार के खा जाना है, ये उसमें नैतिकता का पॉइंट नहीं आता है। द डिजायर फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ अवर सेक्सुअल एंड अग्रेसिव अर्जेस, यानी कि अगर हमारे अंदर सिर्फ इड होगा तो हमारे अंदर जो भी नैतिक अनैतिक, नैतिकता की तो बात ही नहीं है, अनैतिक इच्छाएं आएंगी उसको हम तुरंत प्रतिपूर्ति करना चाहेंगे, तो ये इट इज रॉन्ग। तो इसीलिए इस पर चेक लगता है सुपर ईगो का, और ईगो जो है वो बैलेंसिंग बना के चलता है इड और सुपर ईगो के बीच में। देखिए ईगो क्या है, द ईगो इज द ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्शियस पर्सनालिटी। इड जो है अनकॉन्शियस में है, सुपर ईगो जो है वो भी अनकॉन्शियस में है, थोड़ा सा कहीं वो सबकॉन्शियस में आता है, लेकिन जो ईगो है वो जो है कॉन्शियसनेस का हमारे पार्ट है। इट्स व्हाट द पर्सन इज अवेयर ऑफ, इस ये वो हिस्सा है हमारे मन का जिसके प्रति हम चेतन होते हैं, मतलब जिसके प्रति हम अवेयर होते हैं, संज्ञान हमको होता है इसका। व्हेन दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स एंड इज व्हाट दे यूजुअली ट्राई टू प्रोजेक्ट अराउंड अदर्स, और जो हम दूसरे पर प्रक्षेपित करते हैं वो ईगो का हिस्सा है। इन कंट्रास्ट टू द इड, इड के विपरीत ये क्या है, विच इज अबाउट द प्लेजर प्रिंसिपल। इड किस पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, पर ईगो किस पे काम करता है, द फंक्शन ऑफ द ईगो इज बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, मतलब यथार्थ क्या है। इड तो हमको बताएगा कि भूख लगी है तो खा लो, छीन के खा लो, किसी का चुरा के खा लो, लेकिन ईगो हमको बताएगा कि नहीं, ये खाने का समय नहीं है, ये दूसरे का नहीं खाना है, या इस तरीके का। The idea that we must delay gratification, the idea मतलब कि हमको अपने सुख को थोड़ा सा delay करना चाहिए, gratification यानी कि जो हमको इच्छा है उसको हमको थोड़ा टालना चाहिए in accordance to reality check।
ऑफ अवर बेसिक मोटिवेशंस अंटिल द एप्रोप्रिएट टाइम विद द एप्रोप्रिएट आउटलेट. जब हमको सही जगह मिले, सही समय मिले, तभी हमको उस इच्छा का निराकरण करना चाहिए. द ईगो इज द लार्जली कॉन्शियस कंट्रोलर और डिसीजन मेकर ऑफ पर्सनैलिटी. यानी कि व्यक्तित्व का जो ईगो है, हमारा जो ईगो है वो क्या करता है, कॉन्शियस पे हमको कंट्रोल करता है, डिसीजन लेने में हमको हेल्प करता है. द ईगो सर्व्स एज द इंटरमीडियरी बिटवीन द डिजायर्स ऑफ द इड एंड द कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी कंटेन्ड इन द सुपर ईगो. मतलब ईगो जो है वो बैलेंसिंग एक्ट करता है किसके बीच में, इड के बीच में और सुपर ईगो. इड कुछ भी सही नहीं करेगा और सुपर ईगो कुछ भी गलत नहीं करने देगा. तो ईगो जो ईगो है वो बैलेंस बनाकर चलता है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल सुपर ईगो के कंट्रोल में हो जाएंगे तो भी हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे अगर हम अपने मन की कोई भी बात नहीं सुनेंगे तो. ओके, तो वो कहते हैं कि इड जो है वो घोड़ा है और ईगो क्या है, घुड़सवार है, जो कि उसकी दिशा नियंत्रित कर रहा है कि उसको किस दिशा में जाना है. ओके, देन सुपर ईगो इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द इड. इड से ये भी विपरीत है. किस तरह से? द सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स अवर सेंस ऑफ मोरालिटी एंड ऑट. ये हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाता है और हमको बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है. द सुपर ईगो टेल्स अस ऑल द थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू और द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सोसाइटी. वो हमको बताता है वो सारी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए और जो हमारे कर्तव्य हमारे समाज के प्रति बनते हैं उसके बारे में हमें आगाह करता है. इट डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 3 to 5 years ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. अभी हम आगे स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगे जब फ्राइड के हिसाब से, तो वो 5 होती हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल, जिसमें से फैलिक स्टेज जब आती है तब सुपर ईगो का निर्माण होता है, मतलब विकसित होता है. द सुपर ईगो स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन एंड व्हेन वी फेल टू लाइन अप टू इट्स डिमांड्स वी फील गिल्टी. ये हमको परफेक्ट बनाना चाहता है सुपर ईगो, और जब हम इसके डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते तो हमको क्या होता है, अपराध बोध. द सुपर ईगो कंसिस्ट्स ऑफ 2 सिस्टम्स, द कंसाइंस एंड द आइडियल सेल्फ. सुपर ईगो खुद 2 प्रकार के निकाय से बना है. पहले को हम कहते हैं कंसाइंस और दूसरे को कहते हैं आइडियल सेल्फ. द कंसाइंस इज द इनर वॉइस. कंसाइंस जो है हम कह सकते हैं हमारी आत्मा की आवाज है ना, इज द इनर वॉइस दैट टेल्स अस व्हेन वी हैव डन समथिंग रॉन्ग. वो हमको टोकती है, रोकती है जब हम कुछ गलत करते हैं. तो द कंसाइंस कैन पनिश द ईगो बाय कॉजिंग फीलिंग्स ऑफ गिल्ट. और ये ईगो को कैसे पनिश करती है, कैसे सजा देती है, कि उसको अपराध बोध कराती है कि तुमने ये जो किया है वो गलत किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द ईगो गिव्स इन टू द इट्स डिमांड्स. अगर मान लीजिए जो ईगो है वो इड की बात मानने लगेगा, द सुपर ईगो मे मेक द पर्सन फील बैड थ्रू गिल्ट. तो सुपर ईगो जो है उस पर्सन को अपराध बोध कराएगा कि बुरा फील कराएगा कि तुमने गलत किया है. द आइडियल सेल्फ क्या है? ईगो आइडियल इज एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ हाउ यू ऑट टू बी. मतलब हमारा सेल्फ एकदम आइडियल सेल्फ, आदर्श हमारा स्व का आदर्शतम रूप, मतलब हमको कैसा होना चाहिए, है ना. एंड रिप्रेजेंट्स और हमको क्या क्या बताता है, करियर एस्पिरेशन, हमको क्या बनना है, हाउ टू ट्रीट अदर पीपल, दूसरे लोगों से किस तरह से बिहेव करना है, एंड हाउ टू बिहेव एज ए मेंबर ऑफ, मतलब हाउ टू बिहेव एज ए गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी, और हमको कैसे समाज के एक बढ़िया व्यक्ति की तरह से, बढ़िया सदस्य की तरह से रहना है. द आइडियल सेल्फ एंड कंसाइंस आर लार्जली डिटरमाइंड इन चाइल्डहुड बाय पेरेंटल वैल्यूज एंड हाउ यू वर ब्रॉट अप. और आइडियल सेल्फ और कंसाइंस मिल के, मतलब इसका जो सुनिश्चितीकरण होता है, इसका जो निर्धारीकरण होता है, वो हमारे बचपन में ही हो जाता है. और कौन निर्माण करता है इसका? पेरेंटल वैल्यूज, हमारे माँ बाप, हमारे संस्कार, हमें किस तरीके के मूल्य मिले हैं और किस तरीके से हम बड़े हो रहे हैं, उसी हिसाब से हम बड़े होते हैं, यानी कि कंसाइंस और आइडियल सेल्फ के हिसाब से. तो ये हो गया इड, ईगो और सुपर ईगो, और इन्हीं के इंटरेक्शन से, इन्हीं के कॉन्फ्लिक्ट से, इन्हीं के इम्बैलेंसेस से हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है, इन अकॉर्डिंग टू फ्राइड, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. ओके, फ्राइड पर्सनालिटी पे क्या कह रहे हैं? फ्राइड बिलीव दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड पर्टिकुलरली द एक्सपीरियंस ऑफ एन एंग्जायटी अकर व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और इम्बैलेंस अमंग द मोटिवेशंस ऑफ द इड, ईगो एंड सुपर ईगो. ये कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक हमारे अंदर डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी, कुछ हम चिंताग्रस्त हो जाएंगे. कब? जब हमारे द्वंद हो जाएगा, इम्बैलेंस, असंतुलन स्थापित हो जाएगा. किसके किसके बीच में? इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में. व्हेन द ईगो फाइंड्स दैट इट इज प्रेसिंग टू हार्ड फॉर इमीडिएट प्लेजर, इट अटेम्प्ट्स टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम. जब ईगो को लगता है कि इड जो है वो, जो हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो बहुत उस दिशा में काम करेगी, नहीं हमको बस ये तुरंत 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 चाहना है, तो जो ईगो है वो उसको चेक करता है, ऑफन थ्रू द यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. हम लोगों ने साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म पहले ही पढ़ ली है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है ईगो इड पे चेक लगाने के लिए. एंड अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज यूज्ड टू कोप विद एंग्जायटी एंड मेंटेन अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज. और अचेतन में हमारे मनोवैज्ञानिक ऐसे व्यूह रचनाएं चल रही हैं, स्ट्रेटजीज चल रही है कि हम उस एंग्जाइटी से कैसे डील कर सकें और कैसे हमारी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बन सके. अकॉर्डिंग टू फ्रायड, द जॉब ऑफ द ईगो इज टू बैलेंस द एग्रेसिव या प्लेजर सीकिंग ड्राइव्स ऑफ द इड. यानी कि ईगो को क्या करना है? बैलेंस बना के चलना है. जो प्लेजर सीकिंग है, जो एग्रेसिव है कि बस हमको तोड़ फोड़ करनी है, हमको ये चाहिए ही चाहिए,
और विद द मॉरल कंट्रोल ऑफ द सुपरीगो, और जो मॉरल कंट्रोल, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो जो सुपरीगो का मॉरल कंट्रोल है और जो उसकी प्लेजर सीकिंग ड्राइव है, किसकी, इड की, उसके बीच में ईगो बैलेंसिंग बना के चलता है। फ्रायड बिलीव्ड दैट द इड, ईगो एंड सुपरीगो आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड द एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर रूटेड इन इट, यानी कि ये जो है लगातार इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता है और जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है, वो इसी में उसका आधार यही कॉन्फ्लिक्ट या यही बैलेंसिंग या यही इम्बैलेंसिंग है। ओके, देन अगर पर्सनैलिटी, यहीं पे पर्सनैलिटी का कंसेप्ट फ्रायड का खत्म नहीं होता है, उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी बताई हैं, 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जिसके तहत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड लीस्ट साइंटिफिकली वैलिड, मतलब इनका जो फ्राइडियन थ्योरी का जो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसपे बहुत विवाद हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जैसा उन्होंने कहा, और लीस्ट साइंटिफिकली वैलिड है, मतलब कहीं से भी वैलिड नहीं है क्योंकि कोई इसका रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है, कोई इसका हमको रिसर्च इविडेंस नहीं मिलता है, जो इन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया। ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ये कह रहे हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं उनके थ्रू डेवलप होती है, और ईच फोकसिंग ऑन प्लेजर फ्रॉम ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और कहते हैं कि हर स्टेज में जो व्यक्ति है वो प्लेजर सीक करता है, सुख चाहता है फ्रॉम ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें हर बार जो है बॉडी का हिस्सा बदल जा रहा है, लेकिन वो हर बार चाहता है सुख चाहता है, सेक्सुअलिटी सीक करना चाहता है, क्योंकि पूरी इनकी थ्योरी सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है। फ्रायड बिलीव्ड दैट सेक्सुअलिटी begins in infancy, ये कहते हैं कि शैशवावस्था में सेक्सुअलिटी का प्रारंभ हो जाता है, जिसके जिससे कोई भी सरोकार नहीं रखना चाहेगा, अपना इनकार होगा, इसीलिए ये बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। एंड देन द एप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन ऑफ ईच स्टेज हैज इंप्लिकेशंस फॉर लेटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कह रहे हैं कि एक स्टेज जब फिक्स हो जाती है, मतलब बढ़िया से हम उसको क्रॉस कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज पे अच्छे से जाते हैं, स्मूथली जाते हैं, नहीं तो बड़ी सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ओके, तो कौन सी इनकी 5 स्टेजेस हैं? ओरल, जो कहते हैं कि जन्म से लेकर 18 मंथ तक चलती है, 1.5 साल तक, फिर एनल 1.5 साल से 3 साल चल रही है, फैलिक 3 से 6 साल चल रही है, लेटेंसी 6 से 12 चल रही है, और जेनाइटल 12 से 18 या यू कैन से एडल्टहुड चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि हर स्टेज में प्लेजर सीकिंग हमारा जो ऑर्गन है बॉडी का वो बदल जाता है, और ओरल में क्या है, मुख है, माउथ है, एनल में क्या है, गुदा है, फैलिक में कहते हैं कि सेक्सुअल ऑर्गन है रेस्पेक्टिवली मेल और फीमेल के, लेटेंसी में कहते हैं यहाँ पे सेक्सुअलिटी थोड़ी सबसाइड कर जाती है और जो ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन है वो यहाँ पे नहीं होता है, और जेनाइटल में ये कह रहे हैं कि फिर से सेक्सुअलिटी इमर्ज करती है, और अगर ये चारों स्टेजेस हमने बढ़िया तरीके से क्रॉस किए हैं तब तो बढ़िया हमारा मेच्योर रोमांटिक रिलेशनशिप में हम एंटर कर सकते हैं, वरना दिक्कतें होंगी। और जो फेलिक स्टेज है वो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स के प्रति इतना आकर्षित होता है कि वो सेम पेरेंट्स से राइवलरी शो करता है, मतलब उसे उतना यू कैन से उसको इतना अपना दुश्मन मानता है कि उसका उसकी हत्या तक कर सकता है। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स इन्होंने बताया है कि लड़कों में जो है वो इपीडियस कॉम्प्लेक्स कहते हैं और लड़कियों का इक्लेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये, लेकिन फिर भी इनकी थ्योरी इन्होंने बताया है तो हमें पढ़ना है इसको। ओके, देन ड्यूरिंग ईच स्टेज अ चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बायोलॉजिकल राइट्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, हर स्टेज पे क्या होता है, एक द्वंद्व चलता है किसके बीच में, जो हमारे शरीर की ड्राइव है, बायोलॉजिकल ड्राइव है, और जो सोशल एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल हमने इसको नेविगेशन कर लिया, हमें रास्ता इसका अच्छे से मिल गया, तो क्या होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म कर लेते हैं और मास्टरी ऑफ ईच डेवलपमेंटल स्टेज, ईच डेवलपमेंटल स्टेज में हमारी मास्टरी हो जाती है और हम एक फुल्ली मैच्योर पर्सनैलिटी बन जाते हैं इन अकॉर्डेंस टू सिगमंड फ्रायड। तो ये हमको याद रखना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। ओके, सवाल पूछे जाते हैं इस पे, पता होना चाहिए हमें। फिर क्रिटिसिज्म बहुत है इनका, बहुत आलोचना की गई, क्यों, एक तो संकीर्ण इनका उन्होंने फोकस लिया है, फ्रायड पेड लिटिल टू नो अटेंशन टू द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, सोशियोलॉजी और कल्चर, इन्होंने वातावरण को कोई महत्व नहीं दिया, हमारे समाज को नहीं दिया, संस्कृति को नहीं दिया, तो ये बहुत नैरो फोकस थ्योरी है। हिज थियरीज वर हाईली फोकस्ड ऑन पैथोलॉजी, बहुत डेवियंट इन्होंने पर्सनैलिटीज पे किया है ना, मतलब जो पेशेंट्स पे किया है, इसीलिए कहा जाता है कि आपने पेशेंट पे स्टडी की तो आप उसको नॉर्मल पॉपुलेशन पे कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, एंड लार्जली इग्नोर्ड नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग, नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं आप, डेवियंस की बात कर रहे हैं आप, पैथोलॉजिस्ट को डील कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे उसको हेल्दी बातें कर सकते हैं, है ना। ही हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज फॉर हिज मायोपिक व्यू ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी को ध्यान में रखकर अपनी थियरी बनाई है, इसीलिए जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो एक्सक्लूड हो गए इनकी थियरी से, ये मेजर क्रिटिसिज्म का पॉइंट है इनकी थियरी का। नो साइंटिफिक बेसिस, हमको कोई रिसर्च इविडेंस नहीं मिला इस थियरी का। मिसोगाइनी, देखिए बड़ा इनकी थियरी यू कैन से कि पैट्रियार्की से प्रभावित है,
और फेमिनिस्ट इसका बहुत विरोध करते हैं. फेमिनिस्ट एंड मॉडर्न क्रिटिक्स हैव बीन पर्टिकुलरली क्रिटिकल ऑफ मेनी ऑफ फ्रायड्स थ्योरीज. जो मॉडर्न क्रिटिक हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, जो नारीवादी हैं, वो बहुत इनका विरोध करते हैं. क्यों? पॉइंटिंग आउट दैट द अजम्पशंस एंड अप्रोचेस ऑफ द साइकोएनालिटिकल थ्योरी आर प्रोफाउंडली पैट्रियार्कल. ये कह रहे हैं मेल डोमिनेटेड है, ये फीमेल को यू कैन से सबसाइड कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, एंटी फेमिनिस्ट है, मिसोगाइनिस्टिक है, एंटी वुमेन है. तो ये सारे क्रिटिसिज्म के पॉइंट हैं जो कि फ्रायड की थ्योरी पर आते हैं, लगते हैं. देन नियो फ्राइडियंस, हमको कुछ नियो फ्राइडियंस की भी बात करनी चाहिए कि बाद में जो फ्रायड के थ्योरी को आगे बढ़ाने वाले आए, उन्होंने सेक्सुअलिटी वाले पॉइंट को छोड़ दिया और दूसरे पॉइंट्स को लेते हुए और फ्रायड की अप्रोच को लेते हुए अपनी थ्योरी बताई है. तो नोटेबल नियो फ्राइडियंस कौन कौन से हुए हैं? अल्फ्रेड एडलर हुए हैं, कार्ल जंग हुए हैं, एरिक एरिक्सन हुए हैं, कैरेन हॉर्नी हुई हैं. तो उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अक्सर मैंने कई बार देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, जैसे कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को किसने दिया है. तो अगर हम फ्रायड पढ़ के निकल जाएंगे और अल्फ्रेड एडलर को नहीं जानेंगे तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे. अल्फ्रेड एडलर वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लोर एंड डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल थियरी ऑफ द साइकोडायनेमिक पर्सन एंड कॉइन्ड द आइडिया ऑफ द इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का जो कंसेप्ट है वो अल्फ्रेड एडलर का है. कार्ल जंग को तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कार्ल जंग कई बार हम पढ़ के निकल जाते हैं और हमको पता नहीं होता है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कंसेप्ट इन्होंने दिया है. तो ये सवाल यही पूछ लेता है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कंसेप्ट किसने दिया है, वो पूछ लेगा एडलर ने दिया, फ्रायड ने दिया, ये वो. तो हम लोग चूंकि सोचेंगे कि फ्रायड ने चूंकि कॉन्शियस अनकॉन्शियस बताया तो हो सकता है फ्रायड ने दिया, लेकिन नहीं, ये कार्ल जंग का कंसेप्ट है. तो टू ऑफ कार्ल जंग्स मेजर कंट्रीब्यूशंस फॉर हिज आइडियाज अबाउट द कलेक्टिव कॉन्शियस अनकॉन्शियस, एक तो उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की और दूसरी पर्सोना की बात की. हम लोग जानते हैं कि जैसे ही पर्सनैलिटी पढ़ना शुरू करते हैं वो कहते हैं पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना से निकल कर आया. तो ये पर्सोना कार्ल जंग का ही दिया हुआ है कंसेप्ट. तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है क्या? विच ही डीम्ड अ यूनिवर्सल वर्जन ऑफ फ्रायड्स पर्सनल अनकॉन्शियस. देखिए, फ्रायड ने बात की है अनकॉन्शियसनेस की, लेकिन पर्सनल अनकॉन्शियस की बात की है, जिसको कार्ल जंग आगे ले जा रहे हैं और उसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस बता दे रहे हैं. ओके, सो बहुत कुछ है फ्रायड में जानने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रोचक है और बहुत यू कैन से थॉट प्रोवोकिंग है. मेरे को सोचने के लिए बाध्य करती है ये थ्योरी. तो सोचिए, समझिए. ओके, so thank you all and don't forget to like and subscribe my channel and I will share its matter, text matter in English or Hindi both in to my Telegram group only. So join my Telegram group for that and thank you all.